सी नहीं है, अगर हमारे प्लेयर वहां पे जाके सेफ नहीं है तो नहीं भेजेंगे टीम। आप मत खेलो हमारे साथ, आपको खेलना है खेलो, मत खेलो नहीं तो वो तो हमने कह दिया ना कि फिर हम भी सोचेंगे ना आने का। सवाल तो मेरा सिर्फ ये था आप पे, सवाल ये नहीं है मैं चाह रहा हूँ जिस तरह हरभजन ने उन्होंने ये बात की थी जी हम पाकिस्तान में नहीं आना चाहते वहाँ पे सिक्योरिटी का बड़ा मसला है, चले जी पाकिस्तान इंडिया जाना चाहता है वहाँ तो सिक्योरिटी का मसला नहीं है, सब अभी कह रहे हैं ना हम नहीं आएंगे। मेरा इनको चैलेंज अब आईसीसी के टूर्नामेंट में पाकिस्तान में वर्ल्ड कप होगा ना आए तो मुझे बताए मुझे फिर ले लिया भाई तेरा चैलेंज बजी भाई के पास जाओ किसी ने कहा वर्ल्ड कप के हवाले से आपको आप लोग कह रहे थे ना कि सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से मैं कहा वही पाकिस्तान बजी भाई के पास सनी भाई को ले मैंने तो नहीं कहा राइट राइट सर राइट बजी भाई हाँ आपने नहीं कहा वो बजी भाई कह रहे थे कि सिक्योरिटी कंसर्न्स जी बिल्कुल मैं कह रहा हूं क्योंकि बतौर बजी भाई अगर आप कमेंट करना चाहे वरना मैंने ये बात करी है और बिल्कुल वो बात वर्ल्ड कप में भी फिर वही सिक्योरिटी कंसर्न्स है उसमें भी कैसे इतने आराम से आ जाएंगे। आप मेरी बात सुनिए, देखिए रमीज रजा का एक साल पहले बयान आया था कि पाकिस्तान क्रिकेट के पास पैसा नहीं, उनको बीसीसीआई की तरफ देखना पड़ता है, ये चलने वाला है और इसीलिए तय बीसीसीआई की तरफ से कर लिया गया है। हमारी सरकार की रणनीति बिल्कुल क्लियर है, उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है कि पाकिस्तान की सरजमी पर तो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेला जाएगा। हामिद मीर साहब मैं तो आपको क्रिकेट के बारे में जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वही बता सकता हूँ कि आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ये आपकी इन्फॉर्मेशन होगी, लेकिन अभी तक इंडियन बोर्ड जो है बीसीसीआई ने अभी तक इस बारे में आईसीसी को कुछ नहीं बताया और आईसीसी की मीटिंग जो है वो देश हिंदुस्तान भी पाकिस्तान के अंदर ही चैंपियंस ट्रॉफी खेलेगा। जितने लोग आज पूरा दिन ये खबरें चलाते रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होगी और इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा, देखो दो चीज़ें हैं, आप लोग आपस में ये फैसला कर लो मेरे भाई, जो फैन देख रहे हो मैं आपकी बात नहीं कर रहा है, आपको साफ जरा जो मेरे से इन्फॉर्मेशन जाएगी जो इंडियन मीडिया से आपको इन्फॉर्मेशन जाएगी आप उस इन्फॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर आप लोग बात करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट तो क्रिकेट फैंस को भी बार जो वनडे फॉर्मेट वाला वर्ल्ड कप होता है उसमें भी इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला याद है सर मुझे तो, बाकी भी जितने आईसीसी टूर्नामेंट में आर पार वाले आंकड़े रहे हैं पाकिस्तान इंडिया के मैचेस के वो याद है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ सर कि पाकिस्तान इसी बात को लेकर कम से कम शुक्र मनाएगा कि चलिए ठीक है हिंदुस्तानी जो है वो पाकिस्तान की सरजमी पर आकर नहीं खेल रहे है ना, लेकिन कम से कम खेल रहे हैं पाकिस्तान के साथ, यही बहुत बड़ी बात है सर। अच्छा आप इस तरह करें ना मैडम, आप बहुत ज्यादा गुस्से में लग रही हैं, मैं एक पत्रकार हूँ आपकी तरह, मेरे से लड़ाई ना करें आप इस तरह करें कि अमृतसर में खेल लेना मैच अपने सारे, ना आप जाए दुबई ना आप जाए श्रीलंका, इतना आप किराया खर्च करेंगे इतने पैसे खर्च करेंगे तो बिल्कुल अमृतसर के। हेलो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि चैंपियन ट्रॉफी के लिए भारत और पाकिस्तान में तानातानी हो रही है, पाकिस्तान बोल रहा है कि भारत को आना पड़ेगा, भारत ने मना कर दिया है कि हम नहीं आएंगे और बीसीसीआई में तानातानी चल रही है दोस्तों, लेकिन अब खिलाड़ी भी जो हैं भारत के पूर्व खिलाड़ी जो हैं वो भी मैदान में उतर चुके हैं दोस्तों। वो हुआ क्या वो मैं आपको बता देता हूँ, भारत के हरभजन सिंह और पाकिस्तान के जो क्रिकेटर हैं एक्स क्रिकेटर उनकी डिबेट चल रही थी किसी चैनल पर और उसमें दोस्तों किस तरीके से इन्होंने हरभजन सिंह ने इनको ज़बरदस्त तरीके से पेला है, उन्होंने बोला भाई हम नहीं आएंगे, हम क्यों आए तुम पहले अपनी सुरक्षा दोस्तों भारतीय टीम का इन्होंने कहा है कि दोस्तों कि हम नहीं आने वाले तुम्हें जो करना है वो कर लीजिए, लेकिन दोस्तों पाकिस्तान के मीडिया बोल रहा है कि भाई क्यों नहीं आओगे जब हम भारत के मैं पाकिस्तान के अंदर खेलने गया था, भारत के अंदर आया था पाकिस्तान खेलने तब आप कहाँ थे तो, लेकिन दोस्तों हरभजन सिंह ने साफ कह दिया भाई तुम्हें आना है आओ तुम्हें क्या फ़र्क करा बगैर भारत के कराओ क्या दिक्कत है तुम्हें, लेकिन दोस्तों पाकिस्तान का मीडिया को जानता है कि भाई भारत से ही इन्हें अर्निंग होनी है और तो हरभजन सिंह और दोस्तों तनवीर अहमद हो गए और भी एक आध दो इनके एक्सपर्ट लोग हैं उनकी ज़बरदस्त तरीके से बहस चल रही थी वीडियो में जैसा कि आपने देखा वीडियो पर दोस्तों बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है वो, तो आगे देखते हैं पाकिस्तान की मीडिया और हरभजन सिंह के बीच क्या रिएक्शन रहा है वो इस हम वीडियो में देखते हैं। प्लेयर वहाँ पे जाके सेफ नहीं है तो नहीं भेजेंगे टीम, आप मत खेलो हमारे साथ, आपको खेलना है खेलो मत खेलो नहीं तो वो तो हमने कह दिया ना कि फिर हम भी सोचेंगे ना आने का। सवाल तो मेरा सिर्फ ये था आप इस पे, सवाल ये नहीं है वी डोंट फील सिक्योर, हम तो सब मुस्कुरा रहे हैं आप लोगों के साथ, सवाल सादा सा ये है अगर आपको फर्स्ट करे इस स्टूडियो में आपको सिक्योरिटी इश्यू है, आप कह रहे हैं कि मैं इसलिए नहीं आऊंगा कि सिक्योरिटी इशू है, फिर आप कह रहे हैं मैं आईसीसी खेलने के लिए आऊंगा, आईसीसी में सिक्योरिटी इट इज नॉट अबाउट ईगोस एंड इट इज अबाउट सिक्योरिटी, यू टेक द गारंटी कि आप कहिए मैं आईसीसी का वर्ल्ड कप खेलने के लिए भी नहीं आऊंगा, आप ये कहिए फिर। हाँ तो नहीं आएंगे आपका अगर की नामवर टीम में भी खेल कर गई और बिल्कुल फर्स्ट आते हैं, अच्छा वर्ल्ड कप खेलने भी नहीं आएंगे, वर्ल्ड कप खेलने भी नहीं आएंगे, Indian cricket can still survive without Pakistan. And if you guys can survive without Indian cricket, do it.
वसीम भाई, साहब अभी कह रहे हैं ना हम नहीं आएंगे, मेरा इनको चैलेंज अब आईसीसी के टूर्नामेंट में पाकिस्तान में वर्ल्ड कप होगा ना आए तो मुझे बताए, मुझे फिर ले लिया भाई तेरा चैलेंज ले लिया फिर सर चैलेंज आपको आप उस टाइम सर चैलेंज आप उस टाइम मना करके बता दें फिर मेरी और आपसे बात होगी उस टाइम आप कह दीजिए भाई एक बरादराना मशवरा ले लें 200 चीजें जिसके चलते बरादराना मशवरा ले लें पाकिस्तान में कौन सा वर्ल्ड कप हो रहा है आप कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप में नहीं आएंगे आपने मैंने कहा ना कभी वर्ल्ड कप होगा या अभी चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है तो उसके बाद इंडिया के वर्ल्ड कप के बाद लेकिन मशवरा ये है दो साल पहले पाकिस्तान इंडिया का ही मैच था आपने बहुत बड़ा बोल बोल दिया था आपको गले पड़ गया था तो ना बोले इतने बड़े बोल ठीक है क्यों बोल क्यों ना बड़े बोले भाई आप कुछ भी बोलो पहले भी एक जुमला बोल रहे पाकिस्तान को और 10 विकेटों से जीत गए थे पाकिस्तान क्रिकेट की जरूरत नहीं है जज्बाती बात है भारतीय क्रिकेट बोर्ड को पता है कैसे क्रिकेट चलानी है जब आईसीसी ने पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी अलॉट किया होगा तो बीसीसीआई की हामी होगी ना उसमें जो आप कह रहे हैं आप स्टेटमेंट को आप ट्विस्ट कर रहे हैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बता रहे हैं नहीं आप बात को बतंगड़ बना रहे हो मैंने तो विक्रांत जी के सवाल को आगे बढ़ाया कहा है कि विक्रांत जी वेरी कैटेगोरिकली सेट ठीक लगता है तो टीम विक्रांत जी वेरी कैटेगोरिकली सेट कि हम आईसीसी रॉजर बिनी साहब का कोई स्टेटमेंट दिखा दो जय शाह साहब का कोई स्टेटमेंट दिखा दो राजीव शुक्ला साहब का कोई स्टेटमेंट दिखा दो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट के किसी मिनिस्टर का स्टेटमेंट दिखा दो तो ये किस बुनियाद के ऊपर आप लोग कहते हो कि पाकिस्तान के अंदर आप लोगों की टीम चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलेगी क्यों आप अपनी चैंपियंस ट्रॉफी को ख़राब कर रहे हो क्यों आप अपनी टीम की रेटिंग को ख़राब कर रहे हो क्यों आप अपना मजाक उड़वा रहे हो और मैंने आज की वीडियो के अंदर भी बात की है मैं दोबारा आप लोगों के लिए सवाल छोड़ देता हूँ इंडियन मीडिया के लिए आपके लिए नहीं सवाल ये है कि आप लोग पाकिस्तान में आके चैंपियंस ट्रॉफी जो है उसके आप राउंड मैचेस नहीं खेलना चाहते हो चलें इस पे बात कर लेते हैं सवाल भी आप भेज सकते हो शाहीन के मसले पे मैं बाद में आता हूँ वो बड़ा सीरियस मसला है उसके ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी है शाहीन शाह सॉरी चैंपियंस ट्रॉफी के आप अपने राउंड मैचेस पाकिस्तान में नहीं खेलना चाहते हो आपके तीन राउंड मैचेस हैं आपका एक मैच है बांग्लादेश के साथ एक मैच है न्यूजीलैंड के साथ और एक मैच है आपका द दिग्गज द माइटी पाकिस्तानी टीम के साथ आप लोग कितना खुश होते हो जब मैं दिग्गज माइटी पाकिस्तान टीम कहता हूँ हमारा बुरा हाल हो गया हमारी क्रिकेट टीम का अच्छा तो आप हाइब्रिड मॉडल की बुनियाद के ऊपर चैंपियंस ट्रॉफी खेलना चाहते हो पाकिस्तान से बाहर दुबई में या श्रीलंका में बट ना दुबई में होगी ना श्रीलंका में होगी ओके तो आप अपने तीन राउंड मैचेस बाहर खेलना चाहते हो लेकिन आप लोगों को मैं कितनी अरसे से ये बता रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान की हकूमत अपनी जो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर होनी है वो अपना पाकिस्तान अपना मैच इंडिया से बाहर जाके नहीं खेलने वाला जैसे कि आपने देखा डिबेट में किस प्रकार से देखे लड़ाइयाँ हो रही थी और किस प्रकार से एंकर लोगों ने समझा रहे थे भाई ऐसे नहीं ऐसे भारत क्यों आए दोस्तों नहीं आएगा भारत बिल्कुल नहीं आएगा क्यों आए भाई भाई भारत तुम्हारे बात करते हो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका की लड़ाई तुम्हारी इंडिया से तो दोस्तों इंडिया से लड़ाई तो इसका कारण है ना दोस्तों इंडिया से लड़ाई हो रही है इसका कारण है कि भाई तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो दोस्तों युद्ध हुए हैं दोस्तों ये तो भारत बिल्कुल नहीं आने वाला युद्ध तुम्हारा भारत और पाकिस्तान का हुआ था ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा ना वो जो पाकिस्तान के लोग ऑस्ट्रेलिया कुछ कहेंगे या वहाँ के जो खुफिया विभाग होगा इनको बोलेगा तो दोस्तों भारत बिल्कुल नहीं आ रहा है इस चीज़ को निश्चित रहिए तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों वीडियो को दिल से लाइक जरूर करना चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।